नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमच न्यूज खबरों के साथ, मैं हूं महेश जैन। अब बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की। तो जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा उम्मीदवारी के लिए अपनी अपनी दावेदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं जन्मदिन मनाकर तो कहीं रैली निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी में बड़ा ही रोमांचक माहौल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी कर हारे हुए प्रत्याशी से लगाकर पार्टी से बगावत किए हुए प्रत्याशी व बाहरी क्षेत्र से नीमच जिले में आकर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई कार्यकर्ता विधानसभा उम्मीदवार की दावेदारी करते देखे जा रहे हैं। और एक तरफ राहुल गांधी युवाओं को मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सभी सवालों को लेकर आज हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए कांग्रेस जिला महामंत्री मनीष जोशी। 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से नीमच जिले में देखा रहा है कि राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों ही अपनी दावेदारी को लेकर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार एकजुट होती दिखाई दे रही है, और वहीं लोगों में एक विरोधाभास देखा जा रहा है बागी कार्यकर्ताओं द्वारा। क्या बागियों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, क्या युवाओं को इस बार मैदान में उतारेगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मनीष जी जोशी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता से। मनीष जी, मैं आप जानना चाहूंगा इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? निश्चित रूप से माहौल जो है वो पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो पक्ष जो है 2018 का चुनाव का वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नीमच जिले की तीनों विधानसभा में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है युवा लोगों को जो है मौका देगी, और निश्चित रूप से युवा लोगों का मैदान में उतारने से पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। वैसे जी बताइए, एक तरफ राहुल गांधी जी युवा कार्यकर्ता को उतारने की बात करें, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष खुद हैं जो कमलनाथ जी हैं, उनको कहीं ना कहीं 40 से ऊपर आदमी को पदभार दिया गया, क्या लगता है आपको युवा उतार पाएंगे इस बार? देखिए, युवा लोगों को आगे बढ़ाने की जो भावना है वो राहुल गांधी जी की एकदम सही दिशा में है। और जहां तक रहा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को बनाने का, तो वो एक अलग दिशा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरे भारत में जो एक मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है, राजनीति में भी इसका करीब करीब वही महत्व है। तो मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए आदरणीय कमलनाथ जी जैसे जैसा योग्य उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो नहीं सकता था, क्योंकि कमलनाथ जी के पास जो है अनुभव का अथाह भंडार है, और उनसे योग्य उम्मीदवार अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई हो नहीं सकता था। और आदरणीय कमलनाथ जी की भी जो भावना है, मैंने कमलनाथ जी के जितने भी भाषण सुने हैं तो उनके भाषण की शुरुआत ही युवा रोजगार से होती है, और भाषण भी समाप्त उनका युवा रोजगार से ही समाप्त होता है। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है युवा लोगों को मौका देगी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे मुझे एक चीज बताइए, जैसा कि देखा जा रहा है तीनों विधानसभा में, अभी विशेषकर जावद और नीमच की अगर बात करें तो बागियों को लेकर बढ़ाई कार्यकर्ताओं में असमंजस बना हुआ है। जब भी मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास मीटिंगों में देखने को मिलता है। जब भी कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आता है तब भी विरोधाभास और गुटबाजी देखी जाती है। तो क्या लगता है पार्टी बागियों को टिकट देगी या क्या होगा इस बार? देखिए, घर में एक साथ कई बर्तन रहते हैं तो आपस में बचते ही हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार एकजुट है। और रही विरोधाभास की बात तो वो घर के अंदर की बात है, लेकिन इस बार कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत है कि हाईकमान जिस भी व्यक्ति को विधानसभा का टिकट देगी उसके लिए कार्यकर्ता तन मन धन से काम करेंगे। और रही बागियों की बात, तो आपने देखा है कि मोदी सरकार में भी जो है 80 से लगभग ज़्यादा सांसद पुराने कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत हो सकता है या कोई गलत होना चाहिए। पार्टी को सिर्फ ये देखना है कि चुनाव कौन जीत सकता है और जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, जन भावना किसके साथ है, जनमत किसके साथ है, उसके साथ निश्चित रूप से हाईकमान को जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मंदसौर में देखा गया था जो राजेंद्र जी गौतम है उनको पार्टी में जो कार्यकर्ता समिति है उसमें लेने पर भी एक विरोधाभास देखा गया था, कहीं ना कहीं वो पुराने बागी हैं। तो क्या नीमच में इससे में कांग्रेस पार्टी अगर बागियों को टिकट देती है तो क्या लगता है आपको पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? देखिए, पार्टी को नुकसान होना एक अलग बात है और एक सीट जीतना, एक विधानसभा की सीट जीतना एक अलग बात है। निश्चित रूप से बागी लोगों को अगर टिकट मिलता है तो जो जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता होता है, जो चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता जो होता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आहत होता है। और जो बागी लड़े और जिसके सामने पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जिनने चुनाव जीता, वो निश्चित रूप से आहत होते हैं। लेकिन 15 साल का वनवास काटने के बाद आज की स्थिति में कांग्रेस की पार्टी जो है उसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है
कि सिर्फ और सिर्फ जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाकर मध्य प्रदेश में 2018 में आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो पिछली बार मतलब पिछले चुनावों में कांग्रेस से ही प्रत्याशी बने और हार गए वापिस, तो क्या ऐसे कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं इस बार, तो क्या उनको रिपीट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस मामले में मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो एक चुनाव हार गए या दो हार गए उनको निश्चित रूप से वापिस नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे ऊब चुकी है। परिवर्तन हर जगह की मांग होती है और आम आज देश का नेतृत्व भी देख रहे हैं, बीजेपी में देख रहे हैं कि मोदी किस तरीके से आए। निश्चित रूप से वो परिवर्तन के रूप में आए और पूरे देश पे छाए और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और मुझे लगता है कि उसी परिपाटी पे कांग्रेस भी काम करती रही है, करेगी। इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी के जमाने में और अब राहुल जी के जमाने में युवाओं को अच्छा मौका मिल रहा है। और मेरा तो निश्चित मत ये है कि अगर एक या दो से अधिक चुनाव जो हार गए हैं उन लोगों को वापस से नींद सोखना चाहिए। भाई साहब, हर बार चुनावों में देखा जाता है पार्टी हर बार संगठन तक बात करती है, सर्वे भी कराती है, पर अंतिम समय जब टिकट का आवंटन का आता है तब एक ही चीज चलती है, दो सिंधिया जी और कमलनाथ जी, इनके दम पे टिकट दे दिए जाते हैं, एक नाम के बल पर टिकट दे दिए जाते हैं, और कहेंगे पार्टी को सीटें खोनी पड़ती है। पिछली बार भी आपने नजारे देखे हैं, कांग्रेस को कुछ सीटें खोनी पड़ी है, तो क्या इस बार क्या होगा, क्या वो गुटबाजी वास्तविकता में रहेगी, या टिकट जो निचले स्तर पर सर्वे हो उस आधार पर मिलेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इस बार टिकट निश्चित रूप से राहुल जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, और राहुल जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये बनाई है कि जीतने वाले उम्मीदवार को ही चुना जाए। राहुल गांधी जी का ये भी मत है कि हम लोग सिर्फ पार्टी में उन्हीं लोगों को नहीं जो सक्रिय है या सक्रिय रूप से राजनीति करते हैं। राहुल जी का ये भी स्पष्ट मत है कि उन लोगों को भी वो टिकट देंगे जो समाज सेवा में और हमारी कांग्रेस की विचारधारा से हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई किसी क्षेत्र की आड़ में जो है टिकट पालेगा। इस बार जो भी होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के तहत होगा और राहुल जी की जो मंशा है उस अनुरूप कार्य होगा। और रही कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो उन दोनों के पास बहुत बड़ा कार्य प्रभार है। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, और दोनों रात दिन तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं रात दिन। मनीष जी, एक सवाल और करना चाहूंगा, जैसा कि चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि जावद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार में मनीष जी जोशी भी दावेदारी कर सकते हैं, और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैंने इस बार कहीं दावेदारी नहीं करी और मैंने स्पष्ट एक साल पहले से ये बोल रखा है कि कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार आएगा, जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे ये आपका बड़प्पन है कि आप आज भी मुझे उम्मीदवारी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन जावद में जितने भी उम्मीदवार हैं, दो तीन जितने को भी आप उम्मीदवार मानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसमें से जिसको भी आएगा, तो मैं आपके सामने शपथ लेता हूं कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए मैं तन मन धन से उसको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी मान के उसके लिए मैं काम करूंगा। जावद की क्या समस्याएं हैं? मतलब जावद की एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जावद की जनता और जावद की जो कांग्रेसी विचारधारा है, उनका शुरू से ये मत रहा है कि जावद को वहां का स्थानीय विधायक चाहिए, जिससे वो लगभग अब करीब करीब 20 साल उससे दूर हो चुके हैं। और निश्चित रूप से जावद की जनता ने या जावद के आम मतदाता ने इस बात को भोगा है और भुगता है कि अगर लोकल विधायक नहीं होता, स्थानीय विधायक नहीं होता और स्थानीय उम्मीदवार नहीं होता है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो दोबारा से आज 15 साल बाद 20 साल वापस इस परेशानी का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी जो प्रमुख मांग है जावद के मतदाताओं की कि उम्मीदवार जो हो कांग्रेस पार्टी से वो स्थानीय उम्मीदवार हो। भाई साहब, लास्ट सवाल करना चाहूंगा, अभी जो देखा गया कि पिछले समय में जो लोग दावेदारी कर रहे थे उनको भी कार्य समिति में मौका दिया गया, पद दिए गए, नीमच और जावद विधानसभा में से कई लोग हैं, ठीक है, ऐसे में अगर वो लोग पहली बार भी बागी भी रह चुके हैं, अगर ऐसे में क्या उनको पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर बागी कांग्रेस में नहीं होगा, क्या माहौल है? नहीं देखिए, बागी कांग्रेस पार्टी में होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस बार ये निश्चित है कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी बागी लड़ेंगे उनका भविष्य जो है बहुत उज्जवल नहीं रहेगा। कारण ये है कि बागी लोगों को या निर्दलीय प्रत्याशी को ये लगता है कि उसे कभी कभी ये महसूस करने होने लगता है कि वो पार्टी से बढ़ के है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े नेता, मतलब आप सिर्फ जावद स्थानीय की बात छोड़ दो, पूरे देश के स्तर पर हमने ये देखा है कि बड़े बड़े नेता जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी वो खुद भी नहीं जीत पाए और अपना एक उम्मीदवार भी नहीं जीता पाए। जावद के तो हमारे खुद पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा इस बात का उदाहरण है कि जब उन्हें ये लगता था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उनसे चलती थी और भाजपा में उनका बड़ा नाम था, लेकिन जब वो निर्दलीय लड़े तो आपको स्थिति मालूम है कि उनको बतौर निर्दलीय वो दोनों चुनाव आ रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस के जो नवीन जिला अध्यक्ष अजीत जी काठेर, क्या उम्मीद है आपसे, क्या पार्टी क्या उम्मीद करती है? बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक है अजीत काठेर, बहुत प्रखर वक्ता है और वकील है, तो एक चूंकि मैं भी एक वकील हूँ
और मुझे वकीलों की प्रतिभा के बारे में पूरा पूरा अनुमान है, तो मुझे निश्चित रूप से मैं 100% आश्वस्त हूँ कि अजीत जी काठड़ के नेतृत्व में कांग्रेस नए आयाम स्थापित करेगी। मुझे एक चीज बताइए, अभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत जी काठड़ बनने के बाद कांग्रेस बता रहा है कि एक यूनिटी के रूप में सामने आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ा बदलाव इस बार देखा जा सकता है। अभी 3 तारीख को जिले में कई जगह उपचुनाव है, ऐसे में देखा जा रहा है क्या स्थिति रहेगी, मतलब उनका पहला चुनाव है तो क्या कांग्रेस उन सीटों पे काबिज हो पाएगी, या अगर विफलता हासिल हो तो उसका श्रेय किसको जाएगा? निश्चित रूप से जितने भी उपचुनाव है आने वाले वो हमारे नए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, उस पर कांग्रेस काबिज होगी और कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता मनीष जी जोशी, जिन्होंने पूरी दावेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पूरी यूनिटी के साथ में संगठनात्मक तरीके से इस बार कमल सिंधिया जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अपने कांग्रेस की सरकार बनाएगी, जिसको लेकर इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और रहा गुटबाजी को लेकर, इनका कहना है पूरी गुटबाजी पूरी तरीके से पार्टी में खत्म हो चुकी है। खैर, अब देखना वाला होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के प्रत्याशी फिर बागी होंगे या फिर कांग्रेस यूनिटी के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी।